बिस्फी फतौना थाना क्षेत्र के तीसी गांव में एक रहमती खातून पर ग्रामीणों ने फतौना थाना प्रभारी विजय पासवान से नाजायज संबंध का आरोप लगाया है, जिसमें महिला समेत पुरुषों ने जमकर इस लड़की का उसके परिवार वालों का विरोध किया है, जिसमें इशारे में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लड़की गलत है। जिस सफाई में तीसी गांव निवासी रहमती खातून ने बताया कि मोहम्मद चांद ने मुझे हमेशा गलत संबंध बनाने का दबाव डालता है, जिसमें हम उनके साथ संबंध नहीं बनाए तो गांव समाज के बीच मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अनुमति खातून को लेकर लोग तरह तरह की बातें भी बता रहे हैं और अधिकतर लोग इस शख्स पर के बारे में गलत ही बता रहे हैं। फलक चांद से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह आरोप बिल्कुल गलत है। यह राजनीति और फतौना प्रभारी अपने बचाव में साजिश रच रही है, जिसके बाद रहमती खातून को लेकर तरह तरह की निगेटिव बातें एवं कमेंट्स आ रहे हैं, जिसके बाद किसी गांव की महिलाओं ने एक एवं उनके सहेली सहित महिलाओं ने लड़की को गलत बताते हुए कहा कि यह लड़की क्षेत्र में बदनाम एवं चरित्रहीन है। आरोप लगाया था चांद ने या ग्रामीणों ने कि रहमती कैरेक्टर की खराब है, थाना अध्यक्ष के साथ उसका एक गलत संबंध है, उसको रहमती वीडियो जारी करके साफ साफ गलत बता रही है। क्या कहेंगे आप? बूढ़ी हैं, गांव में रहने वाली हैं, कैसी लड़की है रहमती, क्या वो सच में सही है? कल के की कैसी फिरंद है बउआ, कोई नहीं उसको अच्छा कहता, उसका चाचा खुद गाँव से निकालेंगे, गाँव से निकाल दी तुझे, गाँव से निकाल दी उसका चाचा कि इसको टपने नहीं देंगे गाँव में। तब ही चाचा का नाम क्या है? उनकी नाम है अशफाक, अशफाक है नाम है वो का, एम है ओंठ में पैर टूट गया। अच्छा। वही चांद रहा कि उसका पैर को सही कर दें, बुझे बउआ, ना तो निंगरे बना इस तरह का आरोप लगा दिया कि क्यों तो वो सही नहीं है। हाँ, रहमती की माँ जो बोल रही है तो वो सरासरी गलत बोल रही है, रहमती बात झूठी बात है, समझे ना। वो रहमती की माँ सारे दिन तो रहती है काम काज में, भट्टा में काम करती है, और वो रहमती कहाँ जाती है नहीं जाती उसकी माँ को कुछ पता नहीं रहता, बाकी पूरी इंडिया में पता कर लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, सारी इंडिया में आप पता कर लीजिए कि ये बात सही है। लड़की एकदम फ्रंट है, लड़की दो नंबर लड़की है, वो लड़की का गाँव गाँव शोर है। और आप ये भी आपको न्यूज में आया होगा कि देखे लड़का सब कितना वीडियो कर रहा है कि ये लड़की गंदी है, ऐसी है, उसको सजा देना चाहिए, और कितना लड़का के साथ उसका वीडियो बना है, उसको भी आप तहकीक कर लीजिएगा, समझे ना। ये सरासरी चांद भाई के पास इंजाम लगा रही है, ये सब गेम खेल रहा है, ये गुलसाद का काम है, अफ्ताब का काम है, आफाक का काम है, ये सब साजिश है उन लोग का, ये गेम खेल रहा है उसके साथ, उसको सरासरी ये फंसाया जा रहा है, चांद भाई के साथ गेम खेल रहा है। चांद भाई के बारे में नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, सरासरी उसको इंजाम लगाया जा रहा है। कि सच्चाई यही है कि परसौनी वाला का जो से ये था उस लड़की के साथ गलत इंजाम था, लड़की के साथ परसौनी वाला का जो इंजाम अभी लड़की के साथ लग रहा है उसका किसने लगा, चांद गुलसाद जो लगा रहा है, रहमती जो लगा रहा है, तो ये इंजाम परसौनी वाला का था, ये चांद का कुछ नहीं था, चांद जो है वो लड़की का चाचा है, और ये जो है उसका हेल्प करता है, बाकी जो है कोई उसको नाजायज संबंध नहीं है, कोई गलत व्यवहार नहीं है, चांद बहुत अच्छा इंसान है, उसको सब आदमी गुलसाद आफ्ताब आफाक ये सब फंसाया जा रहा है। रहमती जिस लड़की के बारे में बोली कि अवैध संबंध, उस लड़की से कोई संबंध नहीं था? नहीं नहीं, कोई संबंध नहीं था, गलत, ये सब गलत है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। चांद कितनी इंसान आदमी है, दुनिया जानता है कि चांद के ऐसा बुरा आदमी नहीं मिलेगा। अपने लड़की तो अपने आप को जो है बहुत साफ सुथरी बता रही है। नहीं नहीं, बहुत गलत है, कहीं भी आप पता, वो लड़की बहुत गलत है, हम तो कहते हैं। आपको कुछ ऐसी जानकारी है? जी, बहुत सारी जानकारी, एक आध मिसाल दीजिए, आप लड़की गलत हो रहेगा, बहुत सारे जानकारी है। यहाँ जो है हम लोग का जो मैटर झगड़ा लड़ाई फंसा था, तो फतौना थाना का जो है उस्मा विजय पांडे और आपको तो उसकी नाम भूल गए हैं, वो ये पुलिस वाले, वो मैटर में हम लोग को जो केस मुकदमा हो गया था, तो हम लोग वहाँ गए थे, तो हम लोग पर आरोप लगाया गया था 50,000 रुपया का, तो हम लोग हमसे जो है 30,000 रुपया लिया। उस टाइम में हम देखे वो लड़की को, वो पुलिस वाले से गलत इंजाम वो कर रही थी, समझे ना। बहुत सारा उसका मैटर है पुलिस वाले से भी, और कितना लड़का उसका वो धंधा ही है, समझे ना। ये जो फंसाया जा रहा है चांद भाई को, ये गलत इंजाम दे करके फंसाया जा रहा है, ये इसका
गुलशाद आपाक आफ्ताब ये सबका हाथ है। लड़की ने एक वीडियो वायरल की है और अपने आप को सती सावित्री बता रही है, क्या जानते हैं आप उसके बारे में ये बताइए। उसके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, उसकी तो कुंडली बहुत पहले से खराब है। उसकी माँ का कहते हैं कि बच्चलन थी, जिसकी वजह से उसका बाप ने भी झोड़ खा के मरा हुआ है। अभी आप क्या बताना चाह रहे हैं? अभी आप बोल रहे थे कि वो फोन करके किसी को। हाँ, अभी मैंने सुना वो टेलीफोन पर बात किसी से कर रही थी कि मैं आ रही हूँ तब कोई बात करूँगी। आप ऐसा कुछ बता सकते हो किससे बात कर रही थी, कहाँ गई होगी? वो हमको लग रहा है कि वो जीरो माइल की तरफ गई है ऑटो पकड़ के। कौन रहता है वहाँ जीरो माइल पे? जीरो माइल में उसका कोई फ्रेंड है, वही उसी के पास गई है वो। अच्छा, उस लड़का के साथ ऐसा कहीं पकड़ाई भी थी क्या गांव में? गांव में एक दफ़ा पकड़ाई थी, जो काकत है कि वो लड़का मार भी खाया था गांव में। जी, वो औंसी का लड़का था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि लड़की के ऊपर जो आरोप लग रहा था कि लड़की का अवैध संबंध है थाना अधिकारी SHO के साथ, लड़की उसको गलत बता रही है, आप लोग ऐसा आरोप क्यों लगा रहे थे लड़की पर? क्या सच है या सच में? अब कहीं पे पुलिस प्रशासन है जो उस हिसाब से जाती है, लेकिन यहाँ पे तो कॉल होता है और पहुँच जाती है, तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगाएं। कहाँ पहुँच जाती है? स्पॉट पे पहुँच जाती है पुलिस। अच्छा, उसके द्वारा कॉल किया जाता तो पुलिस यहाँ पहुँच जाती है? जी जी जी, हैंड टू हैंड पहुँचती है। जहाँ पर ऐसा क्यों समझ रहे हैं आप लोग, वही कॉल करती है और भी तो कोई लोग कॉल कर सकते हैं? हाँ, तो उनके ही लोग ना कॉल करेंगे, जो उनके हैं वही लोग कॉल करते हैं। बाकी हम लोग कॉल, हम लोगों के साथ इस तरह का बहुत सारा मैटर आया जिसमें हम लोग कॉल किया तो कभी प्रशासन इस तरह से ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, पुलिस का कहना कि आप लोगों के द्वारा उस पर हमला किया गया था, ऐसा क्यों किया गया? हम लोगों के द्वारा उन पर हमला नहीं किया गया था, उनके खुद आदमी ने हमला किया जो जिसमें साजिश था, जो हम लोग फंस जाएं। उनके कौन आदमी? उनके लोग हैं जो दो लड़की हैं और गाँव में अशफाक है और गुलशाद है। एक तो लड़की रहमती है, दूसरा कौन है? एक तो रहमती है। दूसरी कौन लड़की है? दूसरी लड़की जैनब है। जैनब कौन है? बहन है, सगी बहन है। तो ये सरासर आप आरोप जो लगा रही है वो लड़की गलत है, आरोप लगा रही है? जी जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? तीसी निवासी।